अगली खबर में बात करते हैं शिवपुरी की, जहां 11 साल के लड़के के साथ कचौड़ी और समोसे खिलाने के बहाने एक 22 साल के पड़ोसी ने कुकर्म किया। नाबालिग ने परिजनों को घर आकर पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिवपुरी के लुकवासा का है। लुकवासा शहर के मामा होटल के पास 11 साल का पीड़ित बच्चा खड़ा था, तभी रविवार दोपहर 3 बजे आरोपी सीलेन जाटव उसके पास आया। उसने बच्चे को गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे खिलाने का लालच देकर अपने साथ शिवनाथ होटल चलने के लिए कहने लगा। पड़ोसी होने के कारण नाबालिग भी उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चला गया। आरोपी सीलेन उसे होटल ले जाने के बजाय होटल के पास की झाड़ियों में लेकर गया। आरोपी ने यहां उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके सारे कपड़े उतार दिए। आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। चूंकि नाबालिग के माता पिता सुबह सुबह मजदूरी पर चले जाते हैं, शाम को जब दोनों घर लौटे तब बालक ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। परिजन रात में ही बेटे के साथ लुकवासा चौकी गए। यहां उन्होंने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लुकवासा चौकी प्रभारी हुकुम सिंह मीणा का कहना है कि रात में ही नाबालिग का मेडिकल कराया गया। सीलेन के खिलाफ अपहरण सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग में काम कर रहा था, मैं तो घर पर नहीं था, ना मेरी घरवाली घर पे थी। मेरे बच्चे को बेला फुसला कर वो मामा होटल के पास से ले गया और क्या बोला कि शिवनाथ होटल पर आप चल के तुझे समोसा कचौड़ी माँ खिलाऊँगा मैं कहीं। वो ले जाकर उसने मेरे बच्चे को और उधर शिवनाथ होटल के पास घास में ले जा कर के दुष्कर्म कर दिया उसका सर। उसके साथ में गिरफ्तार करना बताया, वैसे मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी को भी